इसका टेक्नोलॉजी की फास्ट टाइम में ये सब चीजें शायद आपके पास पहले पहुंच भी गई होगी, लेकिन कई सारे लोग जो है वो अभी भी चीजों को समझ रहे होंगे, या हम कह सकते हैं कि इसको और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस इवनिंग कॉल पे। आप सब लोग, अगर मेरी बात, आवाज और स्क्रीन सभी लगे तक पहुंच रही है, तो फटाफट थोड़ा एक्साइटमेंट आप सब लोगों का दिखना चाहिए कि कैसे है आज का अपडेट, कैसी सारी चीजें चल रही है, क्या चल रहा है माहौल, सुपर डुपर अमेजिंग एनएफटीज परचेज, कितने लोगों ने एनएफटीज खरीद लिए, कितने लोगों ने जो है वो पार्सल्स खरीद लिए, कितने लोगों ने जो है वो ई कैश से पार्सल्स खरीद लिए, कितनी सारी बातें। कई लोगों के ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रहे, किसी को कुछ है, कोई चीजें नहीं लग रही है, किसी को कोई अपडेट लग रहा है, किसी को क्या लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कई सारी बातें, बहुत सारी बातें। कोई टेंशन ना ले, हर एक चीज का जो है वो सॉल्यूशन है एजुकेशन। एजुकेशन लगातार अपडेट्स और लगातार इंफॉर्मेशन से आप अपने आप को और अपनी टीम को, सभी को साथ रखो, ताकि जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले कितने, कहाँ कहाँ से लोग, क्या क्या चीजें हैं, उसके ऊपर भी लगातार हम बात करना चाहते हैं। सो मैं यही चाहूंगा कि कितने सारे लोग जो है वो कहाँ कहाँ से इस मीटिंग में आए हैं, और किस तरह से जो है वो अवेयरनेस जो है वो मेटावर्स के ऊपर ले रहे हैं, किस तरह से जो है वो बिजनेस को समझ रहे हैं। सो और क्या, कितने लोगों ने जो है वो एनएफटी खरीदी है, कितने लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, फटाफट थोड़ा थोड़ा बताओ, कितने लोगों ने पार्सल्स खरीदे, थोड़ा हमें भी पता चले कि पानीपत में खरीदा गया है या हनुमानगढ़ में खरीदा गया है, कहाँ कहाँ पर लोग जो है वो जो चीजें जो है वो खरीद रहे हैं। वेरी गुड। हर सिटी, हर स्टेट, हर कंट्री से जो लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, फटाफट जो है वो अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो लगा सकते हैं, कहाँ से आए ये बता सकते हैं, ताकि जो है वो बाद में इसको हम जो है वो इसको पढ़े, या इस मीटिंग के बाद भी जनरली हम ये सब चीजों को जो है वो देखते हैं। पार्सल फेज वन में किसने जो है वो पार्सल बाय किया, फेज टू में कितने लोगों ने अभी प्री बुकिंग कर दिया है, पार्ट ऑफ पार्सल्स जो है वो कितने लोग खरीद रहे हैं, वो सभी लोग, और कई सारी चीजें, जिन लोगों को वॉलेट अपडेट्स नहीं पता, जिन लोगों को क्या चीजें हो रही, वो सभी चीजें, सब चीज जो है वो बहुत 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 बढ़िया। हर स्टेट्स, हर एक चीज में आईपीओ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट्स हैं, हर एक चीज को लेकर जो है वो बहुत एक्साइटमेंट है। तो आप सब लोग जो है वो हर एक चीज से, हर एक जगह से है, ऑलमोस्ट अच्छा 500 पार्सल्स किसी ने खरीदे है, बता रहे हैं बहुत सारे। देखो एक्साइटमेंट हर जगह है, हर एक जगह पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें जो है वो कहना चाहते हैं हर एक लिए, के जो है वो इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ में एक रूटीन वो आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आज सभी लोगों के लिए एक बहुत
थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी गुड। बहुत सारी बातें, देखो ये था हमारा मेटा सॉइल वर्ष के चेयरपर्सन है के बर्थडे विशेष और बहुत सारी चीजें। ओके सो हमारे साथ अभी जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर जो है वो लगातार चलता रहेगा। आप सब लोग जो है वो अपने आप को अपडेट रखें। मेजर जो अपडेट है वो ये है कि आपकी metasoilwars.com की वेबसाइट जो है वो अपडेट हो चुकी है, और metasoilwars.com की वेबसाइट है वो भी अपडेट हो चुकी है। यानी कि अगर आपको जो वेबसाइट के कंटेंट्स के साथ साथ में बहुत सारे अपडेट्स उसके साथ में हो चुके हैं। कल डाओ मेंबर की भी एक बहुत बड़ी जो है वो अपडेट्स के साथ में मीटिंग होने वाली है। हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी वहां पर जो है वो डाओ मेंबर्स के साथ में कल शाम को 7:30 बजे का जो है वो डाओ मेंबर्स का मीटिंग रहेगा। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक चीज को जो है वो ध्यान में रखें कि कल जो है वो डाओ मेंबर्स की मीटिंग रहेगी और उसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। और वेबसाइट के अपडेट्स के बाद हम सभी जो है वो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने जा रहा है, और आप सब लोग जो है वो इसके जो है वो पूरी जो डेवलपमेंट है वो साथ में आप देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट जो मेजर पार्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या है, क्या मेजर बिजनेस में क्या अपडेट्स हैं, कैसे हैं, तो सबसे पहला अपडेट ये है कि IPO 2 लॉन्च होने से पहले जो प्री बुकिंग हो रहा है वो अब ई कैश से भी परचेज होना शुरू हो चुका है, और कई सारे लोगों ने ऑलरेडी इसका पार्टिसिपेशन स्टार्ट भी कर लिया है। कई सारे लोगों ने परचेज भी कर लिया है, कई लोगों ने प्री बुकिंग भी कर लिया है, और कई लोगों ने जो है वो ई कैश से सीधा NFTs जो है वो बाय किया है। तो सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि जो है वो मीटिंग में और ज्यादा चीजें जो है वो और समझ में आए और ज्यादा चीजें और अच्छे से आप लोग समझ पाए। सो आप जो लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं या अभी भी नए आए हुए हैं, और जो लोग जो है वो IPO में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर हर चीज में आप जो है वो वर्ल्ड बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए आप लगातार काम करें। कैसे परचेज कर सकते हैं, क्या है, क्योंकि देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन रहा है। अभी इसमें क्या है कि अभी आपने देखा कि वीडियो शुरू होने से पहले यानी प्रेजेंटेशन से पहले एक वीडियो चला था जो मुंबई में जो मेटावर्स बना रहे हैं, मुंबई का भी मेटावर्स बन रहा है। अभी ये जो पहले क्या होता था कि पहले हम ही बता रहे थे कि मेटावर्स हो रहा है, मेटावर्स बन रहा है, लेकिन अब जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सारे और ये कॉमन वर्ड्स होते जा रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है, कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो अपने मेटावर्स जो है वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी बैंगलोर में एक कंपनी जो है वो सैंडबॉक्स ने जो है वो डेवलप की। सैंडबॉक्स जो एक बड़ा मेटावर्स है, उन्होंने इंडिया में जो है वो भारत बॉक्स जो है वो लॉन्च किया बैंगलोर के अंदर, और वहां पे ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बिजनेस के अंदर जो चीजें जरूरी हैं वो सभी चीजें जो है वो डेवलप की गई, और वहां पर भारत बॉक्स नाम का जो है वो कंपनी इंडिया में शुरू हुआ, जो अलग अलग कंपनीज के इंडिया के भी अब वहां पर जो है वो प्रोडक्ट्स डिप्लॉय होंगे, जो कंपनीज जो है वो वहां पर डिप्लॉय होगी। यानी Web 3.0 के जितने भी वेबसाइट्स अब नए बन रहे हैं वो अब पार्सल्स खरीदने के ऊपर जो है वो लगातार फोकस कर रहे हैं। अभी जो है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज है, आगे के जो है वो और ज्यादा बड़े स्टेज जो है वो आगे बड़ी टीम और बड़े लोग जो है वो इन्वॉल्व होंगे, बड़े कॉर्पोरेट्स इन्वॉल्व होंगे। अभी बहुत ही लिमिटेड कॉर्पोरेट्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आगे जाकर और ये बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है। आम इंसान तक पहुंचने में मुझे लगता है कि ये 2040 तक का ये समय लेगा, कि जिस तरह से इंटरनेट आने के बाद वेबसाइट्स को पहुंचने में 10 साल से 20 साल से 95 से लेकर 2024 तक ये नॉर्मल इंटरनेट हुआ, लेकिन इसमें जो है वो 10 से 15 साल जो है वो Web 3 की जो स्केलेबिलिटी है, यानी कि हर विश्व में हर जगह वो लोग Web 3 पर आएंगे। डिजिटल IPO 2 में पार्टिसिपेट करना है, पार्सल्स के NFTs को बाय करना है, तो आप जनरली आप USDT से बाय कर सकते हैं, BNB या ट्रोन के USTRC 20 के USDT से बाय कर सकते हैं, लेकिन अब जो है वो ई कैश के लिए भी अगले 5 दिन तक जो है वो ये लगातार सिस्टम स्टार्ट रहने वाली है।
अब जहां पर आपने ये ई कैश ट्रांसफर किया, नया जो फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया, अब इसमें सबसे मेजर पार्ट जहां पर जो एरर है या माइक्रो लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है, वो है कि आपको मेटामास्क वॉलेट ओपन करना है। जब आप मेटा सॉइल मेटा दी अपनी दी सॉइलवर्स की वेबसाइट के ऊपर जो वॉलेट एड्रेस है वो ये वाला वॉलेट एड्रेस आपको जो है वो पकड़ना है, यानी कि आपको उसको सिलेक्ट करना है। अब आप देखो यहाँ जो मेटा सॉइलवर्स का जो वेबसाइट में जो एड्रेस है वो मेटा मास्क का जो अकाउंट वन या अकाउंट टू जो आपका यहाँ पर एड्रेस है उसके नीचे जो आपका ये इथेरियम का या पॉलीगोन का या जो भी आपका यहाँ पर एड्रेस है ये वाला एड्रेस आपको कॉपी करना है, और वो एड्रेस जो है वो आपको मेटा सॉइलवर्स की दी सॉइलवर्स की वेबसाइट के ऊपर मेटा सॉइलवर्स का यानी कि मेटा मास्क का वॉलेट एड्रेस आपको कहाँ लगाना है सॉइलवर्स की वेबसाइट से। इससे क्या होगा कि आपकी मेटा सॉइलवर्स की और सॉइलवर्स की वेबसाइट जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी, डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपके जो ई कैश से आप एनएफटीज को प्री बुक कर पाओगे। एक ये ओटीपी से ही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपकी परमिशन वहां पर लगेगी, आपके ओटीपी से आप मेटा सॉइलवर्स और दी सॉइलवर्स की वेबसाइट को सिंक्रोनाइज करोगे और आपको जितना ई कैश एनएफटी बाय करने के लिए चाहिए उतना ही ट्रांसफर करना, क्योंकि वहां से फिर वापिस एनटीएसवी खरीदने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। आप इस चीज को समझ लेना कि अगर आपके पास पार्सल खरीदने के लिए जितना चाहिए उतना ट्रांसफर करना, बाकी जो है वो ई कैश यहीं रहना। टीएसवी खरीदने बेचने के लिए भी ई कैश का इस्तेमाल जो होता है, और वो भी इसी तरह से एनएफटीज बाय करने के लिए भी ई कैश का इस्तेमाल होना शुरू होगा। तो आप ये हो चुका है तो आप इसका जो है वो ओटीपी आप उनको सेंड करेंगे, ओटीपी देंगे तो जितना ई कैश आपने यहाँ पर लिखा उतना ई कैश आपके मेटामास्क के वॉलेट एड्रेस का जो आपने कॉपी किया था, इसीलिए वो सेम ईमेल एड्रेस जो आपने मेटा सॉइलवर्स डॉट कॉम में ये सेम एड्रेस लिखना है जो दी सॉइलवर्स में है, ताकि जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए। अब दो एरर समझ लो क्या है, एक एरर ऐसी है जो मेटा सॉइलवर्स का जो एड्रेस है वो और मेटा सॉइलवर्स दी सॉइलवर्स का एड्रेस है जो दोनों का जो है वो एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और दूसरा मेटा मास्क वॉलेट का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर जो है वो पेस्ट करना है। लोग क्या गलती करते हैं कि कोई दूसरा एड्रेस डाल देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन से एड्रेस ढूंढ लेते हैं, वो एड्रेस कोई नहीं लगाना है, मेटा मास्क का अकाउंट का जो आपका एड्रेस है उसी को ही आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये ई कैश जो है वो आपके सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाते हैं, और वो जो है वो आपका जब सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है वो आपके बैलेंस में आपको दिख जाता है सिंक्रोनाइज करने के टाइम पे। जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे सिंक्रोनाइज करोगे तो आपको वो दिख जाएगा, एक मिनट लगेगा मिनिमम उसको अपडेट होने में। आप एक बार एक मिनट या तो फिर उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा या तो फिर वापस उसको लॉगिन कर लीजिएगा, ताकि जो है वो आपको आपके ई कैश जो है वो आपके बैलेंस में आपको दिख जाए, वॉलेट बैलेंस में दिख जाए और आप आराम से जो है वो एनएफटीज को बाय कर पाए। तो ये मोबाइल में भी इसी तरह से चलेगा, लैपटॉप में भी इस तरह से चलेगा। सो ये जो क्यूआर कोड है स्कैन क्यूआर कोड TRC20 BEP20, ये आपको USDT से अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए ये पेमेंट के लिए ये जैसे हम पेटीएम में मर्चेंट अकाउंट में हम जैसे वॉलेट में डालते हैं स्कैन करके, तो इसीलिए ये स्कैन और कॉपी दोनों दिया हुआ है, नंबर वॉलेट नंबर और क्यूआर कोड वो दोनों दिया है। ये आपका नहीं है, ये प्रोजेक्ट का है, यानी कि आपको इसका कॉपी नहीं करना है। एक सबसे ज्यादा मेजर गलती हो रही है, उसको प्लीज सभी से ध्यान रखें। दूसरी चीज, अब जो ईमेल एड्रेस है वो दोनों सेम होने चाहिए, टीएसवी के और एमएसवी के। आप सिंक्रोनाइज ई कैश के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप वो सिंक्रोनाइज ई कैश के ऊपर क्लिक करोगे वो आप जो है वो पूरा सिंक्रोनाइज आपका हो जाएगा, यानी आपने जो $500 ट्रांसफर किए थे वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आप बाय एनएफटी पर जाकर आप 500 अगर आपने किए तो 500 का एनएफटी खरीद पाओगे, 1000 किए तो 1000 का आपका बैलेंस वहां पर अवेलेबल होगा, आप इसको बाय कर सकते हो। अगर 8000 का बाय करना है तो 8000 के, 1000 के 8 बाय करने हैं तो वो हिसाब से, यानी कि पार्ट ऑफ पार्सल से भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जो है ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसको एक बार प्रैक्टिकली एक बार आप करोगे तो आप इस चीजों को देख पाओगे।
आपकी पेमेंट की हिस्ट्री में भी आप इसको वेरीफाई करोगे, और साथ में आपको प्रोजेक्ट की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस का ईमेल भी आ जाएगा कि आपने जो है वो आईसीओ में पार्टिसिपेशन किया है डायरेक्टली। सो आप सभी लोग हो इस चीज को समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में 13-14 साल का बच्चा होगा, उसको आप दे देना, वो कर देगा। क्योंकि ये सब चीजें टेक्निकली जो है जो हमें बहुत बड़ी लगती है, बच्चों के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज है। ये यहाँ से कॉपी करना, देना उनको जो लिस्ट अगर आप दे दोगे तो वो भी वो कर देंगे। तो कोई टेंशन ना ले, 13-14 साल के बच्चे भी ये बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। सो अगर क्योंकि हमारे हमारे यूजर्स ऐसे हैं कि सभी प्रकार के यूजर्स हैं, तो वो यूजर्स के लिए हमें एवरेज सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पे भी आप अटकते हो तो अपने एक्टिव मेंबर के साथ में आप इसको बैठ के कीजिएगा, कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा, आराम से जो है वो चीजों को समझ के कीजिएगा। खुद जितना जल्दी सीख जाओगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। जितना जल्दी आप सीख जाओगे खुद से अपने चीजों को ऑपरेट करना, उतना और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको और मिलता जाएगा। तो होप आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अदरवाइज ये वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर भी डला हुआ है, और साथ साथ में इसका वीडियो भी जो है वो डाउ के ग्रुप में और अलग अलग ग्रुप्स में भी ये चल रहा है। अगर आपको किसी को नहीं मिला हो तो वो टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में भी आप जाइए, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो है वो आपको मिलेगी। ऊपर आपकी कम्युनिटी मेंबर्स जो भी हैं उसके ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व रहें ताकि आपको अपडेट्स जो हैं वो लगातार मिलती रहें। लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं तो वो अपडेट्स नहीं ले पाते, तो इसीलिए ये रेगुलर बेस के ऊपर हम जूम्स भी करते हैं। कल जो है ये जूम नहीं कर पाए तो आज कर लिया, तो हर ट्यूजडे वेनसडे ट्यूजडे को और फ्राइडे को जो है वो लगातार हम आपको अपडेट्स जो है वो देते रहे, ताकि आप हर एक चीज का जो है इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को भी और अपने पास आपको भी ये कॉन्फिडेंस जो है वो देता रहे। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी होप आप सब लोगों को समझ में आई है। अगर हाँ है तो फटाफट जो है वो थोड़ा थंब दिखा दीजिए कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आई है, और एक्टिवली आप ये सभी चीजों को जो है प्रैक्टिकली आप इसको इस्तेमाल करोगे। राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, वेरी गुड। सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अभी 900 जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं। उस 900 में से ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे लोग जो है वो उसको रिएक्शंस दे पा रहे हैं। बाकी जो है इन चीजों को सही तरीके से समझे और जाने। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट ये है कि ये चीजें जो है वो टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड से चलते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम है अभी, क्योंकि हर एक चीज जो है वो अपडेशन पे है। कैसी पता, मैं आपको बताऊं कि समय से पहले जो आ जाते हैं वो भी उतने जल्दी नहीं चलते, समय के बाद आते हैं वो भी नहीं चलते, राइट टाइम पे लिए हुए डिसीजन से लॉन्ग टर्म चलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है कि रील बनाने वाली कंपनी टिकटॉक थी, लेकिन वो अभी इंडिया में काम नहीं करती और विश्व में भी उसको उतना पॉपुलरिटी नहीं मिला, लेकिन फेसबुक और इंस्टा और दूसरे स्नैपचैट जैसी जो कंपनियां हैं वो अपग्रेड होकर उसी टेक्नोलॉजी को और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही है और लगातार लोग उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे फेसबुक लाइव जो है किसी ओवर ने बनाया था, पेरिस्कोप ने बनाया था, लेकिन आज जो है वो फेसबुक लाइव से या जूम से हम सभी लोगों से, अगर हम बात करें तो आज समझो कि व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा जैसी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी उन्होंने कभी जूम या टेलीग्राम को कॉम्पीट नहीं किया, अपने बिजनेस के साथ रहा है। यानी उनको भी पता है कि समय के साथ टेक्नोलॉजी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर जगह अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्वमेंट होंगे तो शायद उतना बिजनेस फोकसली नहीं कर पाओगे जितना हर एक इंसान, हर एक कंपनी जो है वो कर रही है। यानी कि समझो कि फेसबुक टेलीग्राम जैसा भी बना सकता है, फेसबुक जूम जैसा भी बना सकता है, फेसबुक सब कुछ कर सकता है, गूगल सब कुछ कर सकता है, गूगल भी फेसबुक जैसा बना सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के पार्ट में हर एक चीज एक जैसी। यानी कि आप समझो उबर वाले ने बनाया तो उसको ओला जैसे बनाया, या जैसे हमारे इंडिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो उन लोगों ने कोई चीज ऐसी बना दी, ऐसे नहीं। हर एक इंसान जो है वो टाइम, टेक्नोलॉजी और उसमें हर एक का अपना अपना जोनर जो है वो खास देखते हैं, और साथ में ट्रेंड। आप देखो ब्लॉकचेन का ट्रेंड, क्रिप्टो का ट्रेंड, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का ट्रेंड, चार्जिंग स्टेशंस का ट्रेंड, हर एक चीज का ट्रेंड। जो चीज ट्रेंड में चलती है वो आपको डेवलपमेंट देती है, और पैसा ग्रोथ से आता है।
सबसे बड़ा ट्रेंड अगर वो कोई चलता है तो उसका ग्रोथ अगर होता है, जैसे बिटकॉइन आया या ब्लॉकचेन में, पहले से ब्लॉकचेन चल रही थी लेकिन बिटकॉइन आने के बाद एक ट्रेंड सेटर बना बिटकॉइन, और बहुत बड़ा ग्रोथ जो है वो बिटकॉइन से मिला। ऐसे ही ब्लॉकचेन में अभी तक की जितनी भी लेयर 1, लेयर 0, लेयर 2 की ब्लॉकचेन्स हैं, उनकी स्पीड यानी कि उनके ट्रांजैक्शंस पर सेकंड्स की स्पीड और उनकी टेक्नोलॉजी एआई की वजह से अब जो है वो डैमेज हो चुकी है, यानी ये समझ लो पुरानी हो चुकी है। सीडी और वीसीआर का डिफरेंस जिस तरह से आप समझ सकते हो ऐसी हो चुकी है, पेन ड्राइव और सीडी का डिफरेंस जैसे समझते हो वैसी हो चुकी है, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलोगे तो बिजनेस बढ़ेगा। तो एक अपडेट आपको बता दूं कि हम जो ब्लॉकचेन लेकर आ रहे हैं वो लेयर 0 की अपग्रेडेड वर्जन की ब्लॉकचेन जो लेकर आ रहे हैं, और ये नेक्स्ट मंथ में जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च हो रही है, और ये आपकी, हमारी, हमारे सतीश मोस्टरा जी की, हमारे प्रोजेक्ट की, हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड की, हमारे यंगेस्ट सीईओ की और हमारी टीम की, हम सब की ये प्रोजेक्ट है, तो हम सब की ये ब्लॉकचेन है। तो आप सोच सकते हो कि हम जहां से शुरू हुए तब से लेकर अभी तक जिस तरह से लगातार अपने आप को टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के साथ लगातार अपडेट कर रहे हैं, तो ये आपकी और हमारी दोनों की मेहनत है, यानी कि यूजर और डेवलपर ये दोनों की जीत होगी जब हम ये सब चीजें एक साथ सभी चीजों को मार्केट में देंगे। अगर आप इस चीज से, अगर ये मेरी बात से अगर आप अग्री हैं तो फटाफट जो है वो रिएक्शन दीजिए, ताकि पता चले कि कितना एक्साइटमेंट है इस चीजों को लेकर कि हमारी ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही है अगले महीने। हो ये नहीं है कि आएगी होगी वो वाली बात नहीं है, अब जो है वो एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है और साथ साथ में दूसरी प्रोडक्ट भी, साथ में मेटावर्स का भी अपग्रेडेशन है। एक चीज समझिए कि जो लोग हमारे बिजनेस के ऊपर ये कहते थे कि पता नहीं ये क्या होगा क्या नहीं, वो लोग देखते रह गए, वो लोगों को ये हाल हो चुके हैं कि पता ही नहीं चल रहा उनको कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उनको ऐसा ही लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। सर, इन लोगों के कहने या नहीं कहने से अपने को पता नहीं क्या फर्क पड़ा, लेकिन ये बिलियन सबके आशीर्वाद से जो है वो हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बिलियंस ऑफ डॉलर की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री में वन ऑफ द पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा पार्ट ब्लॉकचेन, उसमें आप और हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सोचो तो सही, कभी हमने ये सोचा कि अभी हम कभी किसी ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करेंगे या उसको भी सक्सेसफुली इतने रन करने वाली चीजों के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। तो ये मेटावर्स की दुनिया में भी पेमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही बेस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है। मेटावर्स में जो लोग, मेटावर्स अभी तक के जिन्होंने जो बहुत जल्दी आ गए, समय से पहले आ गए ट्रेंड बनाने के लिए, लेकिन राइट टाइम पे प्रोडक्ट लॉन्च करना और वो भी अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च करना और अगले कई सालों तक उसका कोई कंपटीशन ना हो, उस लेवल का मेटावर्स लॉन्च करना, ये सभी थॉट प्रोसेस जो है वो हमारे चेयरपर्सन मिस्टर सतीश मोस्टरा जी के माइंडसेट और विजन की वजह से है। हमारे पास जो हमें एजुकेशन दिया जाता है, जो शब्द दिए जाते हैं, वो हमारे ट्रेनर ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन मेटावर्स को हमको इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आम भाषा में समझाते हैं, वैसे हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी की वजह से है। और हमें हर बार अपने हर एक जो कहते हैं कि सोशल और हर एक चीज में, जहां पर हमें सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे भी अगर प्रोजेक्ट को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर या गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर जहां पर हमें स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है, वहां पर हमारे यंगेस्ट सीईओ मिस्टर रविंदर बंगड़ जी जो है वो हमेशा साथ रहते हैं। तो ये जो अपग्रेडेशन है वो इतने बड़े लेवल का अपग्रेडेशन है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऐसी कई सारे सभी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन जिस मेटावर्स में होगा वो मेटावर्स मार्केट के अंदर बहुत बड़ा लेवल के ऊपर काम करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं वो ब्राउजर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। आप इस चीज को अभी जो है वो समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट के ऊपर चलने वाली और सिंपल तरीके से 2D दिखने वाली सर्वर बेस्ड जो मेटावर्स है उसको समझना, और रियल मेटावर्स को हार्डवेयर यानी कि वीआर डिवाइस में जो चीजें देख पाए उसको समझना, ये एक जमीन और आसमान का फर्क है।
यानी कि 3310 फोन जो हमारे पास हुआ करता था उससे पहले एक जो ऐसे हम गोल घुमा के जो फोन डायल करते थे, और आज का स्मार्टफोन का डिफरेंस है ना, उतना बड़ा डिफरेंस है इस टेक्नोलॉजी का। नहीं समझ पाओगे अभी, लेकिन जिस दिन देखोगे उस दिन समझ पाओगे, और जिस दिन समझना शुरू करोगे उस दिन पक्का समझ जाओगे कि क्या चीज बनने जा रही है और कितने बड़े लेवल के ऊपर इस प्रोजेक्ट के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। ये डिजिटल पार्सल्स जो हैं, ये 1995 में जब वेबसाइट्स बनती थी तो हम GB में खरीदते थे वो वेबसाइट्स को अपलोड करने के लिए, जिसको हम वेब स्पेस बोलते थे। सुनना मेरी बात, इस चीज को समझना। 1995 से लेकर 2000 के साल में इंटरनेट का जो जमाना जब शुरू हुआ था, उस टाइम के ऊपर इंटरनेट कंपनियां जो है वो वेब स्पेस बेचती थी, लेकिन तब हमें समझ में नहीं आता था। तब डोमेन्स बिके जाते थे लेकिन हम खरीदते नहीं थे। अब आप इसका विराट कोहली के बच्चे का डोमेन किसी ने खरीद लिया जैसे ही नाम हुआ, और उसकी वैल्यूएशन जो है वो कहीं की कहीं चली गई। कई ऐसे डोमेन्स अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जिसकी कीमत जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है। अभी भी लोग डोमेन्स खरीदते हैं, लेकिन अब के जो डोमेन्स हैं वो Web3 बेस्ड है। Web3 बेस्ड वेबसाइट के ऊपर अभी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर एक एग्जाम्पल लिया गया कि 2 साल पहले एक वेबसाइट बनाई गई थी और उसको भूल गए लोग बना के, तो उसका एन्युअल सब्सक्रिप्शन जो था वो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी Web3 की जो वेबसाइट का जो डेटा था वो किसी ना किसी कम्युनिकेटिंग नोड्स के ऊपर पड़ा था, तो वहां से वो रिकवर हो गया। यहाँ तो MLM कंपनीज की अगर हम बात करें या पिछले 75 साल के इतिहास की बात करें, तो ये था कि भाई कंपनी बंद हो गई तो डेटा बंद हो गया, वेबसाइट डिलीट हो गई, कंपनी बंद हो गई, बात खत्म हो गई। यानी कि जो लोगों को ये नहीं पता है कि अगर आप ब्लॉकचेन बेस्ड कोई कंपनी बनाते हो तो वहां पर किसी भी प्रकार की एग्जिट पॉलिसी नहीं है, किसी भी प्रकार का आप जो है वो एग्जिट उसमें नहीं कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉकचेन और मेटावर्स की इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो आपको अपने यूजर बेस के ऊपर, आपके स्टेक होल्डर से, आपके डाउ से, आपके हर एक व्यक्ति से आपको जो है वो Day 1 से ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। पर आपको बताते हुए खुशी होती है कि हमारा प्रोजेक्ट Day 1 से ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसपेरेंट है, और वो भी थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर करके आज जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा यूजर्स जो है वो मेटा सॉल्वर्स बना चुका है। NFT की दुनिया में जब पहली बार IPO लॉन्च हुआ, जब मेटा सॉइल वर्स का पहला IPO 500 पार्सल का लॉन्च हुआ, $5,000 का एक पार्सल, ऐसे 500 पार्सल बिके, और वो 10 तारीख को दिवाली के दिन लॉन्च हुए और 12 से 13 तारीख को जो है वो सेल हो चुके, और उसके बाद जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो चुका था। 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरा पार्सल जो है ये सेल हो चुके, यानी कि 500 पार्सल बिक गए। तब लोगों ने कहा कि ये 2 दिन में बिक गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मोस्ट्रा जी के 5 साल की लगातार मेहनत और मार्केट में स्टेबिलिटी के साथ खड़े रहना, किसी भी सिचुएशन में साथ में खड़े रहना। देखो तेजी में तो हर कोई कंपनी चलती है, बुल मार्केट अगर होता है तो कंपनियां चलने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बेयर मार्केट के अंदर वहां पर स्टे करना, होल्ड करना और सर्विस देना और सामने चीजों को फेस करना, ये रियल बिजनेसमैन की बात होती है। जो रियल लोग हैं, जो रियल बिजनेसमैन है आप और हम जो है वो रियल टीम है। मोस्ट्रा जी की हम रियल सैनिक है, हम रोस्टा जी के हम रियल हम कहते हैं डेवलपर है, हम ये चीजों की, बट जैसे हमारा काम कम्युनिटी डेवलप करने का है, टेक्नोलॉजी का काम टेक्नोलॉजी का डेवलपर करता है, लॉ वाला काम लॉ के डेवलपर करते हैं, मार्केटिंग वाला काम मार्केटिंग के डेवलपर करते हैं, इसी तरह से मेटावर्स इंडस्ट्री के जो अपग्रेडेशंस आ रहे हैं उसका काम करने की टीम जो है वो मोस्ट्रा जी ने विद इन कंपनी बना दी। जैसे आप और हम जैसे फैमिली मेंबर बन गए, वैसे ही प्रोजेक्ट ने ये सभी टीम अपने पास खुद ही पर रख ली। यानी आप समझो कि मेटावर्स की टीम, टेक्निकल टीम अपने पास, लॉ टीम अपने पास, मार्केटिंग टीम अपने पास, हर एक चीज जो है वो अपने पास। इसकी जो डेवलपमेंट है ये इस तरह से आपके पास होने की वजह से कई सारे लोग जो है वो ये डेवलपमेंट में और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अब जैसे इन हाउस जो जो हमारी टीम है, जैसे टर्की में है, कनाडा में है, जो लोग दुबई एक्सपो में आए थे उसमें से कई सारे लोगों ने उनसे मिला भी है, उन लोगों से बात भी की, जो अपनी टेक्निकल टीम ने जिसने मेटावर्स को आपको पहनाया, जिसने दिखाया, वो सभी टेक्निकल टीम आज भी लगातार एक्साइटेड है, और वो लोग भी ऐसे जूम पर आते हैं और देखते हैं कि सच में मार्केटिंग कैसे होता है।
आप और हम कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम जिस तरह से डेवलप हो रहा है, हम वन ऑफ द बहुत ही माइक्रो पार्ट है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस हो रहा है। यहां हम अभी तो $100 के क्या होगा, $200 का क्या होगा उसके ऊपर है। यानी कि आप समझो कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस हो रहा है उसमें अगर वन ऑफ द पार्ट, अगर हम 2.5 से 3 लाख लोग भी अगर हम यहाँ पर जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड के जितने भी यूजर्स हैं उसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से गिने तो सिर्फ 3.9% लोग ही ब्लॉकचेन के यूजर्स हैं। यानी कि 300 मिलियन यूजर में से सिर्फ 5 लाख लोग ही अभी हमारे पास है, तो अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि ये 5 लाख जो है वो शुरुआत है, मैं तो कहता हूं शुरुआत भी नहीं है। अगर हम 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 20 लाख, 20 लाख से 50 लाख यूजर्स के ऊपर हम जाते हैं, आप और हम सब लोगों की मेहनत से होगा ये, फिर ये वॉल्यूम के जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं उस कैंडल में से हमें भी कुछ ना कुछ पर्क मिलेगा, हमें भी कुछ ना कुछ पाई मिलेगा। अगर आप तो हमारे साथ नहीं है, सगो हम ये हिंदी बोलते हैं या हम गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो शायद इसीलिए कई लोगों को चीजें समझ में ऐसा आने के बावजूद भी ये समझते हैं कि यार छोड़ो यार, ये अपना काम का नहीं है या ये वो नहीं है। अगर यही चीज अगर कोई अंग्रेज है या कोई बाहर का विदेशी है, रशियंस है या कैनेडियन है, अमेरिकन है, वो लोग अगर काम करते तो पता नहीं लोगों को यूं लगता है हाँ ये लोग कर लेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, ये चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अब पहले वाला नहीं रहा है। आज ग्लोबल बिजनेस में ब्लॉकचेन और मेटावर्स की दुनिया में हर कोई कंपनी में आप देखना, हर एक के सीईओस, हर एक के जो डेवलपर्स हैं, हर एक के बड़े टॉप में इंडियंस ही हैं। इसीलिए हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि हम ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द पार्ट बन पाए, वर्ल्ड के बड़े पार्ट बन पाए। आज से क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी कंपनी बनती है, फिर उसको कोई ना कोई अमेरिकन या कोई ना कोई बाहर की विदेशी कंपनी जो है उसको खरीद लेती है। चलो हम भी एक चीज को समझे कि अगर वो खरीद लेती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सीईओ की ओर के ऊपर उसको काम काम मिलता है। यहाँ पर तो कंपनी के डेवलपर ही हमारे इंडियंस हैं, यानी ये तो यूं समझ लो कि इंडिया का एक सबसे बड़ा जो है वो मेजर सक्सेस ये है कि अगर जैसे दूसरे लॉ जैसे पीएमएलए लॉ अगर पहले इंडिया में होता तो शायद हमें इंडिया में कंपनी बनाना ही पड़ती जैसे भारत बॉक्स बना। लेकिन जब अब डेवलपमेंट जो है वो बाहर हो रहा है तो उससे टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। यहाँ पे 30% से लेकर 50% तक का टैक्सेशन है, स्वीडन में 50%, 53% का टैक्सेशन है। हर कंट्रीज के अपने अपने टैक्सेशन के लॉज है। जो लोग लॉ में हैं या सीए हैं या अकाउंटेंट्स हैं, उनको पता है कि जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो 30% के स्लैब में हैं, उन लोगों को पता है कि इंडिया में अगर 100 रुपये कमाते हैं तो जो 30% स्लैब वाले 30 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा मूवीज फेल होने का रीजन है कि उनको टैक्स कैलकुलेशन नहीं समझ में आता। आप समझो कि 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है, इसके हिसाब से आप देखो कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर का है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर जाने वाला है। अगर वो 5 ट्रिलियन डॉलर जाने वाला है तो ये एक अकेली इंडस्ट्री 1.6 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है, ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूं, और उसमें से मेजर पार्ट इंडिया का होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ अब 4 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो लीगल हैं। 9 एक्सचेंजेस को नोटिस भेज दिया गया और उन्होंने अपने जो है वो काम बंद कर दिए हैं, और उनके वॉलेट्स एक्सचेंजेस जो है वो प्ले स्टोर एप स्टोर से निकल गए, फिर वो बाइनांस हो या कोई भी बड़ा एक्सचेंजेस क्यों ना हो, ये 9 एक्सचेंजेस को अभी भी रूटीन एक्सचेंज वो बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। लेकिन जेप पे, कॉइन डीसीएक्स, ऐसे 4 ऐसे एक्सचेंजेस जो है वो अभी भी इंडिया में टैक्सेशन के अंडर के लॉ में बढ़िया से काम कर रहे हैं, और वहां का वॉल्यूम जो पहले कम हुआ था अब वो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और लोग टैक्स पे करने के लिए रेडी है, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद टैक्स पे करना है। तो ये वॉल्यूम जो इतना ट्रिलियन डॉलर का होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करो और प्रॉफिट को ना ना बोलो, टैक्स पे करके और ज्यादा प्रॉफिट को जो है वो हिट करो और ज्यादा टैक्स पे करो। मैं तो ये कहता हूं कि आपके सिटी के, आपके गांव के, आपके शहर के, आपके मोहल्ले के, आपके समाज के, अपने आप के लिए आप सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर बनो। एक बात समझो कि अगर टैक्स पेयर आप बन रहे हो, इस इंडस्ट्री के हाईएस्ट टैक्स पेयर बन रहे हो, इससे बड़ा और क्या चीज होना चाहिए।
आप जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो, लेकिन साथ साथ में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, टेक्नोलॉजी से भागो मत, टेक्नोलॉजी में भाग लो। देखो हर एक को मौका नहीं मिलता है, लेकिन आप रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं तो क्या रियल एस्टेट में जो आरओआई पहले हुआ करते थे क्या वो आरओआई अभी है? कहाँ, किस स्टेट्स में और किस सिटी में है, तो क्या हम वहां जाकर कोई चीज खरीद सकते हैं? 2200 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट जो है वो 30 करोड़ रुपए का है। 2200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो है वो 30 करोड़ रुपए का है। और वही चीज अगर आप यहाँ पर किसी भी दूसरे स्टेट्स में या सिटीज में दाखिल देखो तो उसकी वैल्यू देखना आप, कैसे 2200 स्क्वायर फुट या 30 करोड़ में तो एकड़ के एकड़ आ जाएंगे। तो जो चीजें जो वर्चुअल रियल एस्टेट जो रियल एस्टेट में है वो डिफरेंस क्या है कि डिमांड और सप्लाई, जहां पर कोई चीज बढ़ती है जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उसका सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसका जो है वो वैल्यू कहीं ना कहीं जो है वो सेकंड हो जाता है। लेकिन अगर आप वर्चुअल रियल एस्टेट की बात करें या वर्चुअल किसी भी डिजिटल एसेट्स की बात करें तो देखो बिटकॉइन की 2 करोड़ 10 लाख की मैन्युफैक्चरिंग है, उससे वो एक भी बढ़ेगा नहीं, ना एक कम होगा। कम होगा जो लोग पासवर्ड भूल जाएंगे लेकिन वो मार्केट में ट्रेड नहीं होगा, लेकिन उसका क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं होगा। इसी तरह से हमारे पार्सल्स लिमिटेड है, और वो लिमिटेड पार्सल्स जब जो डेवलपमेंट की फेज में आते हैं तो वहां पर उस पार्सल्स की वैल्यू अपने आप डिमांड की वजह से इंक्रीज होती है। अब छोटा पार्सल, बड़ा पार्सल, ग्रुप ऑफ पार्सल, जोन वाइज पार्सल, इंडस्ट्री वाइज पार्सल, तो हर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड हो ही रहा है, और हर इंडस्ट्री में हर जोन में 50 जोन में थोड़े थोड़े पार्सल्स हैं। 5 लाख पार्सल्स में से 1 लाख पार्सल्स तो कम्युनिटी के लिए रखे गए हैं, जहां पर डेवलपमेंट वाली चीजें होगी, इवेंट्स वाली चीजें होगी। आप हर एक मार्केट को समझोगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट समझ में आएगा। जो ग्रोथ होता है इंडस्ट्री का, आप समझो कि फेसबुक का ग्रोथ सर्विस देके नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने उसको पसंद किया तो उसका ग्रोथ उसके शेयर मार्केट में भी हुआ। आप देखो 2 दिन पहले की या कल परसों की बात है, फेसबुक का सर्वर जो है वो डाउन हुआ, उनके भी यूजर इतने बढ़ गए हैं कि उनको भी स्प्लिट सर्वर्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और वो भी AWS जैसे बड़े सर्वर्स के ऊपर स्प्लिट हुए, कंट्री वाइज स्प्लिट हुए। आप इस चीज को समझो, लाइव सर्वर के ऊपर हर एक इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे ही आप पोस्ट डालते हो पूरे वर्ल्ड में जितने भी आपके दोस्त हैं उसको सबको वो पोस्ट पहुंचानी है, और उस क्रोनोलॉजी को फास्ट रन करने के लिए लाइव सर्वर्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आप गेम खेलते हो मोबाइल के अंदर, इंटरनेट हो तो ही चलेगी, यानी कि जो बड़ा सॉफ्टवेयर है वो बड़े सर्वर पे होगा और आप सिर्फ उसका यूजर बेस यानी कि यूजर इंटरफेस से ही आप उसको गेम खेल पाते हैं। ये मेटावर्स का सबसे बड़े यूनिक पॉइंट्स हैं डिजिटल एसेट्स के ऊपर। हम टेक्निकल जब इतना ज्यादा हम नहीं जाते, लेकिन आप इस बेसिक चीजों को समझो कि आप बहुत बड़े टेक्नोलॉजी बेस्ड वाले बिजनेस के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आप वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेटावर्स जो है बिजनेस सेंटर बना रहे हो। ये ही एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक जितने भी मेटावर्स बन रहे हैं यानी कि नए वाले जो मेटावर्स बन रहे हैं वो लोगों ने अभी तक उनका डिजिटल मैप लॉन्च नहीं किया। हम डिजिटल मैप्स के साथ साथ में अब ब्लॉकचेन और दूसरे प्रोडक्ट्स भी, यानी कि एक साथ दो दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगले महीने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर रहे हैं। आपके एरिया में या मेरी सिटी में या आपकी कंट्री में नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं। यानी कि आप एक बात करते हैं कि हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम है, हम विश्व के साथ बात करते हैं, हम ग्लोबल बिजनेस में बात करते हैं, हम ग्लोबल हो चुके हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट या हमारा बिजनेस ग्लोबल है क्या? क्या आपकी थॉट प्रोसेस ग्लोबल है क्या? क्या आप अभी भी सिर्फ एक संविधान के साथ में चलना चाहते हैं? आपको विश्व के लॉ को समझना पड़ेगा और विश्व के लॉ के साथ में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप लोग सही में मेरी बात से अग्री हैं तो एक बार फटाफट थंब दिखा दी, कितने बड़े लेवल के ऊपर अगर आपको ग्लोबल थॉट प्रोसेस के ऊपर आपको लेके जा रहा है। अगर आप ग्लोबल थॉट प्रोसेस में हो, आप विश्व स्तरीय बिजनेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेस ग्लोबल होनी चाहिए। हाँ या नहीं तो थंब दीजिए, रिएक्शन दीजिए। अब आप समझिए कि जो 3D मैप है उसमें जीनेसिस प्लाजा जो प्राइम प्लाजा है, उस प्राइम प्लाजा के अंदर के पार्सल्स IPO 1 और IPO 2 में दिए जा रहे हैं।
आप सोच सकते हो सर, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी जो अभी किसी को नहीं मिला वो आपको मिला है। तो कई बार ये होता है कि ये हमें क्यों मिला। अरे भाई साहब, ये सोचो कि मुझे चुना गया है तो अब इसको मैं कैसे और अच्छे से बेनिफिट दूं, अब इसका बेनिफिट लूं। अगर हर बार हम किसी गलत चीज में फंसते तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम हर बार, हमें भगवान ने कोई चीज बताई है तो हम उसका एटलीस्ट, जिस भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर का विश्वास करते हैं, जिस परवरदिगार का विश्वास करते हैं, हम उसको एक बार बिलीव करके देखो कि सच में बताओ कि मैं ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंदर से आवाज आती है कि हाँ, ये IPO 1 और IPO 2 तो एक ऐसी चीज है कि जो विश्व में किसी के पास नहीं मिली इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं। छोटे से छोटे पार्सल, 18x18 के पार्सल्स, हर इंडस्ट्री के, हर जोन के पार्सल्स के हर एक चीज, फिर वो कार्बन क्रेडिट्स के होंगे, बेनिफिट्स होंगे, या हर एक जो उसके डेवलपमेंट्स के बेनिफिट होंगे, ओशियन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग, यानी कि अगर आपका पार्सल समुन्दर के पास है तो उसके बेनिफिट्स अलग है। आपके पार्सल जो है वो जेनेसिस प्लाजा में, उसका बेनिफिट अलग है। आपके कम्युनिटी वाला पार्सल है, उसके बेनिफिट अलग है। आपको जो जोन में जो पार्सल आपने खरीदा है, उसी जोन का ही NFT आपके पास है और उसी से ही वो कन्वर्ट होगा। अगर जोन 1 का पार्सल, यानी कि IPO 1 का जो आपने पार्सल लिया है, तो वो IPO 1 के जोन 1 में ही कन्वर्ट होगा। IPO 2 के पार्सल, 4500 पार्सल जो आपको पॉलीगोन की ब्लॉकचेन पे डिजाइन हुए हुए आपको NFT स्कैन के ऊपर दिखने मिल जाएंगे कि टीम काम कर रही है, और बहुत जल्द जो है वो ये IPO शुरू हो जाए, वो NFTs डिलीवर हो जाएंगे, और IPO खत्म होते ही आप ट्रेड कर शुरू कर दोगे। और वो जब ट्रेड करोगे तो समझो कि जो 5,000 वाले तो 8,000 पे आ गए, और 8,000 वाले 10,000 पे आ सकते हैं। ऑन एन एवरेज 20-30% का ग्रोथ वहीं के वहीं मिल जाएगा। जो चीजें आप पार्टिसिपेट करने से, एजुकेशन से आप जो कमा सकते हैं, वो चीजों तो एटलीस्ट आप एजुकेशन लेकर अपनी टीम को जो है वो उसको डेवलप करें और उनको चीजों को समझाए। ओशियन फार्मिंग और ये हर एक चीज, आपके हर एक कोर एलिमेंट्स को, प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 लाख पार्सल्स हैं, 18x18 की साइज के, 50 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, 5,000 बड़ी ब्रांड्स जब वहां पर आना शुरू होगा, फिर बोलोगे कि हम वो पार्सल खरीदना है, वो लोग सेकंड बायर्स होंगे। एक बात समझना, एक बायर एक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोजेक्ट से खरीदता है, वो एक फर्स्ट बायर है, उसके बाद जो किसी को बेचता है वो सेकंड बायर है, और उसके बाद जब मार्केट डेवलप होने के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से फिर बाइंग चलता है। वो बाइंग का मार्केट जो है वो मार्केट प्लेसेस के ऊपर होता है, और वो मार्केट प्लेसेस के ऊपर 15% तक का जो है वो एक्सपेंस लग रहा है, और वो एक्सपेंस बायर से पे होता है, और वो जो जितना बायर पे करेगा उतना पेमेंट जो है 15% का पेमेंट उनको दिया जाएगा जो प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं, उनको एज अप्राइजल बोनस वहां पर दिया जाएगा। आप सोच सकते हो वो कितना बड़ा अमाउंट होगा। अगर समझो कि आपने 10 पार्सल्स अगर किसी को जो है वो दिलवाए हैं, तो उसका बेनिफिट उसका 10 वालों का, जो इंडिविजुअल जो पार्सल का बेनिफिट है वो उनका एज ए कस्टमर है, वो एज ए यूजर है, लेकिन आपने ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई तो वो हर एक इंसान जो है उसको सेल करेगा, उसका बेनिफिट लेगा, तो जो एंड यूजर का जो पैसा है वो एंड तक हर बार आपको 15% जो है वो जनरेट करके देगा। कितना बड़ा अमाउंट होगा, कभी पेन पेंसिल लेकर बैठना पता चलेगा। एक इंसान का 1500 भी गिनोगे तो भी कितना होगा आप गिन सकते हैं। तो ये 50 अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, जो जोन हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ताकि आपको पता चले कि हर इंडस्ट्री को कवर अप किया गया। 5,000 पार्सल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर बड़ी ब्रांड्स को जो है वो इनवाइट करके दिया जाएगा, और उनको ब्रांड्स डेवलप करके भी दी जाएगी, ताकि जो है वो मेटावर्स में उनका प्रेजेंस जो है वो अच्छी तरह से बना रहे। साथ साथ में उनको एक, यानी ऐसा भी, एक पार्सल खरीदो 3 पार्सल फ्री, या 3 खरीदो 1 फ्री, ऐसा कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के ऐसे फ्री भी आएंगे वहां पे, वो डेवलपर और एंड यूजर के लिए है, आपके लिए नहीं होता वो। समझो कि अगर आपके पास पार्सल है, अगर आपको समझो फ्री पार्सल वाले भी पार्सल अगर आपके पास है, तो वो पार्सल आप सेल नहीं कर पाते, आपको उसमें डेवलप करना पड़ेगा कुछ ना कुछ चीजें। अगर 5 लाख पार्सल है तो 5 लाख पार्सल बेचने नहीं है, वहां डेवलप करना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मेट्रा उसके साथ रहेगा, घूमने के लिए कौन सी चीज कहाँ पे क्या मिल रही है हर एक चीज पूछेंगे लोग, बताना पड़ेगा वहां पे कौन सी कंपनी है क्या है, तभी जाके वो एआई काम करेगा। हर एक चीज मेट्रा के पास है, हर एक फीचर जो है वो मेटावर्स में डाउनलोड किए गए हैं, अपलोड किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं, डिप्लॉय किए गए हैं, हर एक चीज आपके प्राइम प्लाजा से एंट्री करके पूरे मेटावर्स पे ये लगातार चलता रहेगा। आपका पहला आईपीओ आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसकी डिलीवरी ले चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सेकंड आईपीओ में पार्टिसिपेट करेंगे। मेटामास्क को डाउनलोड कर लीजिए तुरंत, और तुरंत अपने ऑफिशियल रेफरल लिंक मंगवा लीजिए ताकि आप जो है वो आईपीओ 2 में भी पार्टिसिपेट कर पाए। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, दूसरा, पहले राउंड में तो हर न्यूज में हर जगह तहलका मचा था, इसी तरह से राउंड 2 जब लॉन्च होगा तो आप देखना हर जगह न्यूज में पीआर एजेंसी जो वायर, इतनी बड़ी कंपनियां सिलेक्ट की गई है प्रोजेक्ट ने, इतनी बड़ी पीआर एजेंसीज होने की वजह से आप फोर्ब्स से लेकर हर एक बिजनेस में, याहू फाइनेंस, फोर्ब्स और हर एक में आपको दिखते हैं, कलीज टाइम्स और सब में। तो ये जो डिजिटल एरा है उसमें इतना बड़ा प्रेजेंस होना और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, समय समय के हिसाब से बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सब लोग जो है वो अपने अपने सोशल मीडिया टेलीग्राम के ऊपर आईपीओ 2 का भी एक बहुत बढ़िया सा पार्टिसिपेशन आपने अगर किया है तो आप इसको सही तरीके से लिख कर आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे मेटा सॉल्वर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है, पूरे पार्सल जो है वो बिक गए और बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है, 500 पार्सल बिक गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम, ऐसा सब। आप भी अपने अपने टीम को जो है वो अपडेट करो कि आपने कितनी चीजें खरीदी है, कितनी चीजें आपकी प्रोडक्ट जो है बेच रहा है। बहुत जल्द आईपीओ 2 लॉन्च हो रहा है, आपके वेबसाइट्स, आपकी सभी चीजें अपडेट करो, ई कैश से और पार्सल्स बाय कर सकते हैं उसका भी बेनिफिट लो, यूएसडीटी से बाय करना शुरू ही है, वो भी चलते रहो, हर एक चीज का बेनिफिट लो। कल जो है वो डाओ की मीटिंग है, उसमें भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स और क्या क्या चीजें वहां पर होने वाली हैं वो बातें भी कल हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड जूम पर आपको बताएंगे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कल भी बड़ी संख्या में आप लोग वहां पर आए। जो प्रोडक्ट जिस तरह से 2.0 लॉन्च किया था वैसे दुबई में क्या और चीजें आने वाली हैं उसकी भी कल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप सब लोग जो हैं वो लगातार इसी तरह से हर बार नई नई चीजें चम्मच चम्मच की तरह खाया करो, दिमाग को फूडिंग जो है वो फीडिंग करवाया करो, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के लिए एजुकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बड़ा बिजनेस करना है तो ज्यादा एजुकेशन कंटेंट लगातार होने चाहिए, पढ़ाई हर रोज 18 से 20 मिनट रोज होनी चाहिए। इस फील्ड की पढ़ाई करने से और ज्यादा पैसे आप अच्छे से मैनेज कर सकोगे, अच्छे से आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर पाओगे। ऐसे ही फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स और एक्सपोज में पार्टिसिपेट करो, जहां पर ग्लोबल एक्सपोज होते हैं, इंडिया में बैंगलोर में भी एक्सपोज हो रहे हैं मेटावर्स को लेकर, ब्लॉकचेन को लेकर, वहां पे भी पार्टिसिपेट करो। 2,000 रुपए के और 1,500 2,000 रुपए के एंट्री टिकट्स होते हैं, उसमें भी आप जाइए, देखिए, समझिए दुनिया कहाँ जा रही है, मेटावर्स की और ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री कितने बड़े लेवल पे जा रही है, हम भी अपने में कहाँ अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, कहाँ स्टे कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसका आपको जो है वो नॉलेज बाहर मिलेगा जब आप बाहर निकलोगे। सिर्फ अपने विस्तार में अपने लोगों के साथ रहकर जो है वो एजुकेशन कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट प्रोजेक्ट अगर आप ये देख रहे हो, ग्लोबल वर्चुअल ट्रेड सेंटर एक्सेलेंस अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट में आप अगर कोई चीजें देख रहे हो तो आपको अपने आप को ग्लोबल बनाना पड़ेगा, बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हर बार आप जो है वो लगातार अपने आप को डेवलप करो, इसी तरह से अपनी टीम के साथ अपडेट रहो, बहुत आगे बढ़ो, और इसी तरह से कल वापस जो है वो हम अपनी मीटिंग में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए एजुकेट 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 एंड लेट्स हैव एनएफटीज परचेज स्टार्ट करें और बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स आगे के लिए तैयार हो जाए। बी प्रैक्टिकल, डू प्रैक्टिकल, एक्ट एवरीथिंग, लेट्स डू द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने मुझे सुना समझा और इसी तरह से आप प्यार देते हो। आपको मीटिंग कैसे लगी और क्या चीजें आपको जो है वो और जो है वो आपको कैसी लगी, वो चीज जो है वो आप सभी अपने अपने टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, आपके व्यूज एंड रिव्यूज जो है वो आप यहाँ पर छाप सकते हो, टाइप कर सकते हो, धमाधम लिख सकते हो।